आज जो गाड़ी हमारे सामने खड़ी है भाई, ये है टाटा टियागो एग्जेड प्लस, यानी इसका टॉप एंड वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है मैनुअल ट्रांसमिशन में। और ये 2024 का अपडेटेड वर्जन हमारे सामने खड़ा है कि आज हम जानेंगे भाई इस 2024 में इस गाड़ी में क्या क्या चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, क्या प्राइस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है और ये गाड़ी आपको क्यों परचेज करनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई इसकी एक्स शोरूम वैल्यू की, तो ये आपको यहाँ पे 7,29,900 रुपए का एक्स शोरूम देखने के लिए मिल जाती है। और ऑन रोड आते आते ये गाड़ी आपको समथिंग अराउंड 8.5 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। भाई 8.5 लाख रुपए में आपको एक टॉप मॉडल मिल रहा है, एक हैचबैक गाड़ी का, जो शायद ही आपको कोई और कंपनी प्रोवाइड नहीं कराती है। सबसे पहली चीज तो ये प्लस पॉइंट हो जाता है। दूसरी चीज क्या प्लस पॉइंट रहती है भाई, यहाँ पे आपको टाटा की सेफ्टी देखने के लिए मिलती है। 4-स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी इस गाड़ी की। और फीचर्स में भी भाई आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। जैसे अगर फ्रंट में ही खड़े हैं तो भाई यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो आपको ग्लॉसी ब्लैक में ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है, जिसके ऊपर से आपको क्रोम की लर्निंग्स देखने के लिए मिल जाएंगी। और ये जो लोगो है ये पहले से चेंज देखने के लिए मिलता है आपको, अभी आपको एम्बलम में देखने के लिए मिल जा रहा है, पहले आपको क्रोम में देखने के लिए मिलता था। फिर यहाँ नीचे से चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक क्रोम स्ट्रिप मिलती है, जो पूरी गाड़ी को कवर करती है हेडलैम्प तक का, जो गाड़ी के लुक्स को एनहेंस करती है। और हेडलैम्प की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसमें आपको प्रोजेक्टर लो बीम के लिए मिलता है और यहाँ पे रिफ्लेक्टर आपको हाई बीम में देखने के लिए मिलता है। हेलोजन में ही इंडिकेटर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और नीचे बात करेंगे फॉग लैंप्स की, तो भाई ये भी आपको हेलोजन में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आपको डे टाइम रनिंग लाइट और ये आउटर से आपको क्रोम का वर्क देखने के लिए मिलता है। और ये क्या है, ये जेड वॉशर है? ना भाई, ये जेड वॉशर नहीं है, यहाँ पे हुक लगता है जिससे कि आप गाड़ी को टो वगैरह कर सकते हैं। अगर बात करेंगे ओवरऑल चौड़ाई की, तो यहाँ पे आपको 1677 mm की ओवरऑल चौड़ाई देखने के लिए मिलती है। और अगर बात करें यहाँ पे जो आपको हेडलैम्प्स मिल रहे हैं भाई, ये आपको ऑटो हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल रहे हैं। और प्लस वाइपर भी जो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, वो आपको ऑटो वाइपर्स देखने के लिए मिलते हैं। वो देखिए सामने कैमरे का पॉइंट साइड पोर्शन में है, तो भाई साइड पोर्शन से गाड़ी का लुक आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। काफी छोटी छोटी हैचबैक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, प्यारा सा लुक यहाँ पे निखर के आता है गाड़ी का भाई, क्योंकि लंबाई जो इसकी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है वो 3765 mm की लंबाई देखने के लिए मिलती है। और साइड में खड़े हैं तो भाई टायरों की बात ना हो तो ये देख लीजिए, यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलेंगे भाई, काफी प्यारा डिजाइन मिलता है, डुअल टोन में देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक यहाँ पे आ जाते हैं। और टायर प्रोफाइल की अगर बात करेंगे, 175/60R15 का टायर प्रोफाइल देखने के लिए मिलता है भाई। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये लगा कि यहाँ पे टॉप मॉडल है तो यहाँ पे 16 इंच का तो देना चाहिए था, जिससे कि गाड़ी का लुक और अच्छा हो जाता और कम्फर्ट आपका और बढ़ जाता, इंक्रीज हो जाता। ओवरऑल हाइट की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 1535 mm की ओवरऑल हाइट देखने के लिए मिलती है। और जो B+ यहाँ पे आपको मिलते हैं, ये आपको पूरा मैट ब्लैक में देखने के लिए मिलेंगे। ऊपर से आपको पोल एंटीना मिल जाएगा। ORVMs की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको ब्लैक आउट में देखने के लिए मिलते हैं, प्लस यहाँ पे आपको इसी में इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं LED में। डोर हैंडल्स में बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट का वर्क डोर हैंडल्स में देखने के लिए मिल जाता है। और अगर गाड़ी के व्हील बेस की बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको 2400 mm का व्हील बेस देखने के लिए मिलता है। और भाई अंदर से स्पेस भी अच्छा खासा मिलता है गाड़ी के अंदर। और ग्राउंड क्लियरेंस आप देख रहे हैं तो काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिल रहा है, 170 mm का। रियर टायर्स में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और को ड्राइवर साइड आपको इसका यहाँ पे फ्यूल टैंक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जिसकी कैपेसिटी की बात करेंगे तो भाई 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। रियर से चलते हैं तो भाई गाड़ी का लुक कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। सेंटर में यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो भाई नया लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, टियागो की बैजिंग मिल जाती है, प्लस यहाँ पे आपको कैमरे का पॉइंट मिल जाता है, यानी रिवर्स कैमरा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। प्लस यहाँ पे भी आपको क्रोम इंसर्ट मिल जा रहा है, जो कंपनी से आपको देखने के लिए मिलता है। सब चीज तो पीछे से अच्छी है भाई, एक चीज अच्छी क्या नहीं लगती कि भाई यहाँ पे आपको गाड़ी में पार्किंग सेंसर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं, जो चीज थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है मुझे भी, क्योंकि भाई पार्किंग सेंसर्स तो देने जरूरी चाहिए, जो आपको हेल्प करते हैं पार्किंग के लिए। फिर अगर बात करेंगे यहाँ पे आपको वाइपर मिल जाएगा, डिफॉगर मिल जाएगा, हाई माउंट स्टॉप लाइट मिल जाती है। अब भाई वॉशर कहाँ है, वॉशर यहाँ कहीं नहीं मिल रहा, लेकिन वॉशर आपको मिलता है भाई यहाँ पे, देखिए वाइपर से ही। ये काफी अच्छा सिस्टम है, क्योंकि अलग से यहाँ पे आपको मोटा मोटा भद्दा सा देखने के लिए नहीं मिलता। और ये जो गाड़ी का मैं शूट करने आया हूँ, मैं यहाँ पे टाटा मोटर्स कोला गणपति में आया हूँ। अगर इस गाड़ी से रिलेटेड या टाटा की किसी भी गाड़ी से रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक वोकल फॉर लोकल की बैजिंग भी देखने के लिए मिल जाती है। बात करते हैं बूट के अंदर, यहाँ से खुलेगा नहीं, चाबी चाहिए, चाबी आपको भाई कुछ इस तरीके से मिलती है। ये देखिए भाई, एक रिमोट की और एक आपको नॉर्मल की देखने के लिए मिलती है। भाई यार टॉप मॉडल है, दोनों रिमोट की दे देते क्या चले जाता। चलिए गाड़ी को अनलॉक करते हैं। और बूट खोलने के लिए इसमें कोई बटन नहीं है, ये फॉलो मी हेडलैम्प्स के लिए बटन है। चाबी इसे करते हैं और इसे ओपन करते हैं, ये बूट हो गया ओपन। तो भाई ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको बूट देखने के लिए मिलेगा। अगर बूट की कैपेसिटी की बात करेंगे तो 242 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। गहराई में काफी देखने के लिए मिलता है, मतलब स्पेस मिल जाता है आपको अच्छा खासा।
अगर यहाँ बात करेंगे तो यहाँ आपको स्टेपनी वगैरह कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलती है स्टील व्हील रिम में। यहाँ पे आपको पार्शल ट्रे भी देखने के लिए मिल जाएगी गाड़ी में। बूट लैंप वगैरह कुछ यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। और यहाँ पे आपको हैंगिंग का ऑप्शन मिल जाएगा 3kg तक का। और जो रियर की जो सीट्स हैं ये आपको पूरी बेंच फोल्ड यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। तो भाई ये तो था कुछ बूट, बूट को करते हैं बंद। भाई टेल लैंप्स की बात करेंगे तो भाई ये पूरा सेक्शन आपको हैलोजन में ही देखने के लिए मिलता है। ये ब्रेक लाइट्स आ जाती हैं आपकी। यहाँ पे आपको रिवर्स लैंप मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हैलोजन में इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। चलते हैं इंटीरियर के अंदर, भाई देख लेते हैं इंटीरियर में क्या क्या चीजें मिल जाती हैं भाई। और यहाँ ड्राइवर साइड में अगर मैं आया हूँ तो भाई यहाँ पे आपको कोई भी स्मार्ट की एंट्री देखने के लिए नहीं मिलती है। डोर को अनलॉक करते हैं तो भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको इसका इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। डुअल टोन में मिलता है भाई, बीज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है। डोर की ओपनिंग काफी वाइड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। अगर डोर में बात करेंगे हार्ड प्लास्टिक में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। और चार पावर विंडो के स्विच यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन ड्राइवर साइड वाला चेकआउट करते हैं। वन टच डाउन तो है लेकिन वन टच अप यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। फिर अगर बात करेंगे यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। मैप पॉकेट मिल जाती है। प्लस यहाँ पे जो यहाँ पे डोर हैंडल है वो आपको क्रोम में देखने के लिए मिलता है। ओवावियम इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्लस यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जाएगी। अब इंटीरियर में अगर बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको फैब्रिक में सीट्स देखने के लिए मिल जाती है। कुशनिंग ठीक है, ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा हार्ड है। सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको हाइड्रोलिक में मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक का लिड ओपन करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप गाड़ी का डिग्गी, हाँ यहाँ सब गाड़ी की डिग्गी ऑन करते हैं भाई। ये देखिए गाड़ी का बनाया ना निशान। और फिर यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो आपको यहाँ पे सब हुड ओपन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक चोर पॉकेट मिल जाती है सामान वगैरह कैरी करने के लिए। यहाँ पे देखिए आपको बॉडी कलर इंसर्ट मिल जाता है एसी वेंट्स के आउटर में। और यहाँ पे आपको क्रोम ट्रीटमेंट का वर्क भी देखने के लिए मिलता है। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं भाई कैसा फील होता है। दरवाजा करते हैं बंद। तो दोस्तों अब मैं गाड़ी के अंदर आ चुका हूँ। अगर एक बार फिर से इंटीरियर को लुकआउट मारते हैं तो सिंपल सा और डिसेंट सा इंटीरियर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आपको डेट पेडल भी मिल जाता है पैर को रेस्ट देने के लिए। फिर अगर बात करेंगे स्टेयरिंग व्हील की तो भाई फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलेगा जिसमें आपको ग्लॉसी ब्लैक का वर्क मिलता है। यही लोगो आपको फिर से चेंज देखने के लिए मिल जाएगा। अपडेटेड 2024 का जो भी मॉडल आप देखेंगे टाटा टियागो का या अल्ट्रोस का उसमें आपको यही लोगो देखने के लिए मिलेगा एम्बलम में। लेफ्ट हैंड साइड में आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स वगैरह मिल जाएंगे। राइट हैंड साइड में क्रूज कंट्रोल के फंक्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। और यहाँ पे आपको देखिए ये वाइपर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो आपको ऑटो में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आपको हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो आपको ऑटो में देखने के लिए मिलते हैं। और इंडिकेटर के कंट्रोल्स भी यहीं पे आते हैं। क्लस्टर की बात करेंगे तो वो आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा भाई। क्रोम इंसर्ट का वर्क भी आपको देखने के लिए मिल जा रहा है आउटर से भी और इनर से भी। इसे ऑन करते हैं, ये देखिए भाई कुछ इस तरीके से यहाँ पे ऑन होता है, पूरा डिजिटल यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर देखने के लिए मिल जाएगा। फिर अगर बात करेंगे इसमें आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं उसको हम चेंज करेंगे। यहाँ से एवरेज वगैरह ये चीजें दिखा रहा है और तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। प्लस यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना, ये देखिए टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम भी यहाँ पे आपको गाड़ी में देखने के लिए मिलता है भाई। और यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसिंग देखने के लिए मिल जाएगी। अगर स्टेयरिंग व्हील की बात करते हैं तो ये आपको ओनली टिल्ट ही मिलता है, जहां रखोगे वहीं जाम हो जाएगा, नीचे अपने आप नहीं आता, स्विच की तो जरूरत ही नहीं थी। फिर अगर सेंटर कंसोल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको 7 inch का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा जिसमें आपको हरमन का म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिलता है। और अगर ऊपर चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे जिसके आउटर में आपको क्रोम का वर्क देखने के लिए मिलेगा और सेंटर में हैजर्ड लैंप का बटन। फिर यहाँ पे आपको कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। आपको फॉग लैंप का बटन है या आपका सेंटर लॉकिंग का बटन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे आपको ऑटो क्लाइमेटिक कंट्रोल एसी देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको उसकी डिस्प्ले भी देखने के लिए मिल जाती है। और उससे नीचे चेकआउट करते हैं तो भाई यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा फोन वगैरह कैरी करने के लिए। 12 वोल्ट का अडेप्टर सॉकेट है, टाइप सी की पॉकेट है और टाइप ए की पॉकेट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। फिर अगर बात करेंगे तो भाई यहाँ पे आपको गियर नॉब मिल जाएगा, 5-speed ट्रांसमिशन में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको 2 cup होल्डर्स हैं। यहाँ पे आपको छोटा सा प्लेस मिल जाता है कॉइन वगैरह कैरी करने के लिए। और यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की प्लेसिंग मिल जाएगी। और यहाँ पे भी आपको बॉटल होल्डर स्पेस भी देखने के लिए मिलता है। ग्लोब बॉक्स की बात करेंगे तो भाई वो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, काफी बड़ा मिलता है यहाँ पे भाई। अगर वैसे कहूं तो इतनी छोटी गाड़ी में इतना बड़ा ग्लोब बॉक्स, क्योंकि ऊपर से आपको टैबलेट ट्रे भी देखने के लिए मिल जाती है। चलिए ऐसे करते हैं बंद। फिर यहाँ पे बात करेंगे तो भाई ये आपको IRO मिल जाएगा जो मैन्युअली आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको माइक की प्लेसिंग मिल जाएगी। यहाँ पे टिकट होल्डर है और यहाँ पे भी आपको एक टिकट होल्डर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं भाई इसके कम्फर्ट की, हाई सपोर्ट की कैसा आपको मिल रहा है। तो भाई अगर मैं बात करूं तो अच्छा खासा है कम्फर्ट में, ऐसे कोई कमी आपको फील नहीं होगी। आप जब सीट में बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा भाई आप ऊपर ऊपर बैठे हैं, आपकी विजिबिलिटी बहुत साफ बनती है, क्लियर बनती है। और दूसरी चीज भाई आपको हेडरूम स्पेस भी
अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और अगर थाई सपोर्ट की बात करेंगे तो ये देखिए थाई सपोर्ट भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा ही देखने के लिए मिलेगा। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंटीरियर का, फ्रंट का। अब बात करते हैं इसकी रियर सीट्स की, देख लेते हैं वहाँ क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो भाई रियर डोर जैसे ही खोलता हूँ सेम वही पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेगा जैसा आपने फ्रंट डोर का देखा था। भाई वही डुअल टोन में बीच एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे आपको ट्विटर की प्लेसिंग मिल जाती है, यहाँ पे आपको स्पीकर्स की प्लेसिंग मिल जाएगी, बॉटल होल्डर स्पेस यहाँ पे आ जाएगा आपको, यहाँ पे डोर हैंडल वही क्रोम में देखने के लिए मिलता है। अब रियर से अगर बात करेंगे तो भाई जो रियर के जो हेडरेस्ट आते हैं वो आपको फिक्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, फ्रंट के आते हैं वो आपको एडजस्टेबल यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। सेंटर में आपको रीडिंग लैंप मिल जाता है एलईडी में। और यहाँ पे अगर चेकआउट करेंगे तो भाई आप एज अ सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से आपको 3 पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट देखने के लिए मिल जाती है। और अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपकी गाड़ी अलार्म भी करेगी। बैठ के देखते हैं अब कैसा फील होता है। दरवाजा करते हैं बंद। ड्राइवर सीट के पीछे आपको मैगजीन पॉकेट देखने के लिए मिल जाती है। को ड्राइवर सीट के पीछे भी मैगजीन पॉकेट आपको देखने के लिए मिलती है। दो दो पॉकेट है भाई यहाँ पे, एक ये है एक इसके ऊपर है, एक बड़ी पॉकेट है। यहाँ पे भी भाई आपको एक बड़ी पॉकेट मिलती है, एक यहाँ पे छोटी पॉकेट आपको देखने के लिए मिल जाती है। अब भाई यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह तो देखने के लिए नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं भाई कंफर्ट की। तो भाई ये देखिए रियर सीट में अगर मैं बैठा हूँ तो थोड़ा सा मुझे ये लगा कि भाई अगर इसके जो हेडरेस्ट होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं ना तो वो बहुत अच्छा रहता। भाई ये फिक्स हेडरेस्ट है, टॉप मॉडल खरीदो, टॉप मॉडल में तो कम से कम आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देने चाहिए। आप 8.5 लाख रुपए खर्च करो तो इतना तो बनता ही, माने कि इसकी प्राइस वैल्यू सबसे कम है अगर वैसे काउंट की जाए, लेकिन यार इतना तो बनता है कि भाई आपको हेडरेस्ट एडजस्टेबल देने चाहिए थे। बाकी हाँ अगर हेडरूम स्पेस की बात करूंगा अच्छा खासा हेडरूम स्पेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। थाई सपोर्ट भी यहाँ पे आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिलता है। रिक्लाइनिंग एंगल भी रियर सीट का ठीक ठाक ही आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। मतलब बस मुझे कमी हेडरेस्ट की ही लगी कि भाई अगर ये थोड़ा सा एडजस्टेबल होते तो आपको ऐसा नगरना पड़ता, ऐसे में आपका सर अटक जाता तो थोड़ा सा और कंफर्टेबल आपका होता। तो भाई रियर से तो इसका कुछ इतना ही है, बाकी और कुछ दिखाने लायक है नहीं। अब बात करते हैं इसके इंजन वे में, चलते हैं वहां देख लेते हैं क्या क्या चीज आपको देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ इसके इंजन सेक्शन में। अगर इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे भाई आपको 1200 सीसी का 3 सिलेंडर रेवट्रॉन इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें जो आपको पावर आउटपुट मिलता है भाई वो आपको 85 bhp की देखने के लिए मिलती है। और टॉर्क जो मिलता है आपको भाई 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे जो माइलेज कंपनी क्लेम करती है भाई वो 19.01 kmpl का माइलेज क्लेम कर रही है। बाकी डिपेंड आपकी ड्राइविंग कंडीशन, आप किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं उस तरीके से आप इसमें से माइलेज ले सकते हैं। फिर अगर बात करेंगे भाई सेफ्टी में तो यहाँ पे आपको ABS EBD मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल और ESP जैसे फीचर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। वारंटी यहाँ पे आपको भाई 3 साल 1 लाख किलोमीटर की कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जो काफी अच्छी खासी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। फिर अगर बात करेंगे भाई पीछे से इंसुलेशन का वर्क भी देखने के लिए मिल जा रहा है, हुड में भी इंसुलेशन का वर्क मिल जा रहा है, जिस वजह से भाई जो आपका कैबिन है वो साइलेंट रहे। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन, अब कर लेते हैं फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी यहाँ पे इस गाड़ी के बारे में जो हमारे सामने खड़ी है भाई, टाटा टियागो का टॉप मॉडल खड़ा है भाई, एग्जेट प्लस वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है मैनुअल ट्रांसमिशन में। एक्स शोरूम वैल्यू भी ज्यादा नहीं है, 7,29,900 रुपए का एक्स शोरूम है। ऑन रोड वैल्यू भी आपकी 8.5 लाख रुपए की। और ये जो ऑन रोड वैल्यू है भाई ये उत्तराखंड की ऑन रोड वैल्यू है, ये वेरी करेगी आपके डिफरेंट स्टेट्स के हिसाब से। अगर आप उत्तराखंड से बाहर से हैं तो भाई वहाँ पे जो RTO टैक्स चल रहा होगा उसके हिसाब से आपको ऑन रोड में थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये गाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो भाई ये गाड़ी काफी वैल्यू फॉर मनी भी हो जाती है। प्राइस रेंज में भी अगर बात करेंगे तो भाई आपको 8.5 लाख रुपए में बेहतरीन फीचर्स प्रोवाइड कराती है, जैसे कि आपको एलॉय व्हील्स हैं, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल है, आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, आपको ऑटोक्लाइमेटिक कंट्रोल एसी है, हरमन का म्यूजिक सिस्टम है, आपको एंड्रॉइड ऑटो पलकार प्ले है, मतलब सभी चीजें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। अगर आप बात करेंगे तो इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी कंपनी टॉप मॉडल प्रोवाइड नहीं कराती, यहाँ पे आपको टाटा जो है टॉप मॉडल प्रोवाइड करा दे रही है। तो ये गाड़ी आपको कैसी लगी दोस्तों प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ जो लोग मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि उनको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं आप सबको नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।